Good morning, class. This is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining part of respiratory system. This is our last class of respiratory system in which we will deal about the respiratory diseases. मैंने आपको बताया था भाई लास्ट क्लास है क्योंकि अपन एना और फिजियो जो पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कंप्लीट कर लिया. पूरी एनाटॉमी अपन ने पढ़ ली है इसका. हालांकि डिटेल हमने नोज थ्रॉट जहाँ मैंने पढ़ाया था वहाँ भी पढ़ा दिया था, इस क्लास में पढ़ा दिया. फिजियोलॉजी भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ली है. अब इसकी डिजीजेज, तो डिजीज़ तो बहुत सारे तो आपको पता भी हैं. ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एस्थमा, एम्पाइमा, एम्फिसिमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटासिस, इसके अलावा COPD, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़, रेस्पिरेटरी ट्यूमर वगैरह बहुत सारे डिजीज़ होते हैं. पर सारी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वैसे तो ये डिजीज़ हमारे काम की नहीं होती हैं. ये आप नेक्स्ट ईयर पैथोलॉजी में MSN के अंदर वहाँ पढ़ेंगे. पर हाँ, थोड़ी बहुत डिजीज़ हमारे को इसमें देखनी होती हैं. जैसे सबसे पहले डिजीज़ है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. इस ये एक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसके अंदर हम मेनली चार बीमारियां पढ़ते हैं. यहाँ पर आपको सिर्फ डायग्राम में तीन का ही नाम बताया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं कि हम चार बीमारियां इसके अंदर हम पढ़ते हैं. सबसे पहली है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एस्थमा, तीसरी एम्फिसिमा और चौथा है ब्रोंकाइटासिस. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फिसिमा एंड ब्रोंकाइटासिस, ये चार बीमारियां हैं. इसमें क्या होता है, आपका ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री जो है आपके बॉडी का, उसमें नैरोइंग और वाइडनिंग हो जाती है. नैरोइंग और वाइडनिंग मतलब मैं दो वर्ड्स एक साथ कैसे बोल रही हूँ, आधे पार्ट में नैरोइंग हो जाएगी, आधे पार्ट में वाइडनिंग, आधे में नैरोइंग, आधे में वाइडनिंग. तो पैसेज बहुत अजीब सा हो जाएगा. तो एयर जो है वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती है, गैसेस अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाती है. और ये क्रॉनिक डिजीज़ है जिससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा पल्मोनरी पार्ट में. तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इसलिए इसका नाम दिया गया है. और US के अंदर लोगों में डिसेबिलिटी और डेथ का ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है. ये देखिए, ये हेल्दी ब्रोंकियल और एल्वियोलाई दिखाए गए हैं, जबकि यही अगर डिजीज़ किसी को हो जाती है COPD, तो देखिए उसके ब्रोंकियल्स कितने थिक और नैरो हो चुके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है. तो म्यूकस का प्लग बन जाएगा तो फिर सांस नहीं आएगी. और एल्वियोलाई की वॉल टूट जाती है जिससे कि वो उसका कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन नहीं हो पाता है, बेचारे की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है. तो ये COPD है. इस डिज़ीज़ के फीचर्स क्या है पेशेंट में, एक तो ये किन में देखा जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं इसलिए स्मोक से दूर रहना चाहिए हमारे को. सिगरेट स्मोकिंग 80-90% सभी COPD के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसमें ब्रीदिंग लेबर्ड हो जाती है, मतलब बहुत दम लगा के, बहुत जोर लगा करके आपको सांस लेनी पड़ती है, जिसको अपन कहते हैं डिस्निया. लास्ट क्लास में मैंने नाम बताया था ना आपको डिस्निया. और ये डिस्निया वाली कंडीशन लगातार बढ़ती रहती है और ज़्यादा सीवियर होती जाती है जैसे जैसे समय बीत रहा होता है. फिर पर्सन को कफ रहने लग जाता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है. तो इन्फेक्शन और कफिंग इसमें कॉमन है. इसके अलावा अधिकतर विक्टम्स में CO2 बॉडी में ही रिटेन रह जाती है जिससे कि हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा. ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टॉपिक आपको मैम ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया होएगा तो उसमें ये डिटेल में आ जाता है टॉपिक. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको बता दूँ क्या हो जाता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाएगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा आपकी बॉडी में. ऑक्सीजन कम होते ही क्या हो जाता है, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था वो एरोबिक से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाएगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं और ये एसिड आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे, उस कंडीशन को आप एसिडोसिस कहते हैं. अब ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें अल्टीमेटली बेचारों में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा. कैसे वो सांस ले पाएंगे क्योंकि उनके तो ऑब्स्ट्रक्शन आया पड़ा है. तो रेस्पिरेटरी फेलियर डेथ का कारण बन जाएगा, ऑब्वियस है. ये डायग्राम एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ दिखाया गया है. एम्फिसमेटस एल्वियोलाई जिसमें एम्फिसिमा हुआ पड़ा है, और ये हेल्दी एल्वियोलाई देखो, और ये एम्फिसमेटस एल्वियोलाई देखो, इसकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो गई है. देखो ये एल्वियोलाई साफ खड्डे खड्डे दिख रहे ना, और यहाँ पर वॉल है ही नहीं, पूरा एक साथ एक खोखला सा कंडीशन आपको दिखाई दे रही है.
अब एम्फिसेमा क्या है, इसमें एल्वियोलाई बड़े हो जाते हैं, आसपास के चैम्बर्स उसके टूट जाते हैं, इसलिए वो बड़ा हो गया। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते एल्वियोलाई में, पर वो टूट गए, उनकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो गई, तो आपको एल्वियोलाई ऐसे बड़ा सा दिखाई देता है। और लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ चुकी है, एयर वे में रुकावट आ गई है, एक्सपायरेशन के दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है सांस को एक्सहेल करने के लिए, लंग्स ओवर इन्फ्लेटेड हो गए हैं, और परमानेंटली बैरल चेस्ट हो जाती है, ढोल की जैसी छाती, क्योंकि उनको इतना बेचारों को जोर लगाना पड़ रहा होता है सांस के लिए, तो उनके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी बल्ज आउट हो जाती हैं, और उनका सीना ये जो पूरा पार्ट है ऐसे बाहर निकला हो जाता है। नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में अगर आप उनकी चेस्ट देखेंगे तो वो एक्सपैंड हुई हुई रहती है, ढोल की जैसी बन जाती है, बाहरी तरफ निकल जाती है। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर बनी हुई है, तो इस डिजीज़ की लेट कंडीशन में साइनोसिस हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो डायग्राम में नॉर्मल एल्वियोलाई और एम्फिसेमा का एल्वियोलाई दिखाया, देखो वो नॉर्मल कितना सुंदर सा छोटे छोटे खड्डे के साथ बना, और ये देखो कैसे वॉल डैमेज हुई पड़ी है, डैमेज्ड एल्वियोलाई है, तो ये आपको दिखाया गया एम्फिसेमा की वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या हो जाता है कि आपके लंग्स सीवियरली इन्फ्लेम्ड बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज में म्यूकोसा का प्लग बन जाता है, म्यूकस आकर के फंस जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसके अंदर, और म्यूकस पूल्ड होकर के वेंटिलेशन को इम्पेयर कर देता है। वेंटिलेशन अपन ने पढ़ा था ना कि अपन जो लंग से ऑक्सीजन ले रहे थे, अपन लंग में जो ऑक्सीजन आ रही थी बाहर के एनवायरनमेंट से, लंग में ऑक्सीजन आ रही थी उसको वेंटिलेशन कहा था, तो म्यूकस उस वेंटिलेशन को इम्पेयर कर देता है, और गैसेज एक्सचेंज को भी इम्पेयर कर देता है, और लंग में इन्फेक्शन का खतरा, दूसरे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया भी एक कॉमन बीमारी है दूसरे इन्फेक्शन में। इसके अलावा हाइपोक्सिया और साइनोसिस, तो हमने बोला कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और शरीर जो है वो नीला पड़ जाएगा। डायग्राम में देख लीजिए भाई, ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब दिखाई गई है, लोकेशन दिखाया गया है लंग्स और ब्रोंकियल का ट्यूब का, ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई की ट्यूब है, और ये राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स बताए गए हैं। फिर इसको ब्रॉड करके दिखाया गया है कि नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब ऐसी होती है, ब्रोंकियल ट्यूब वॉल है, ब्रोंकियल ट्यूब के क्रॉस सेक्शन में देखिए ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस की थिन लाइनिंग आ जाती है, पर यहाँ देखो कितनी थिक लाइनिंग बन गई, ऊपर वाले में थिन लाइनिंग है म्यूकस की, और नीचे वाले डायग्राम के अंदर देखो एक तो ब्रोंकियल की ट्यूब वॉल में इन्फ्लामेशन हो गया है, और दूसरा म्यूकस का अमाउंट बढ़ गया, ये हरा हरा पूरा म्यूकस, जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं छाती में कफ जमना, ये छाती का कफ है। ये COPD के बारे में पूरा डिटेल में इसकी पैथोलॉजी बताई गई कि टोबैको स्मोक करने से, एयर पॉल्यूशन में रहने से क्रॉनिक ब्रोंकियल में इरिटेशन होने लगती है, और वहाँ पे सूजन आ जाती है यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ में लंग के कनेक्टिव टिश्यू में जो इलास्टिन है वो टूट जाएगा। अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एक्सेस में म्यूकस प्रोड्यूस होता है, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, और इलास्टिसिटी लंग की ख़त्म हो जाती है किसकी वजह से, एम्फिसेमा की वजह से, इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्रोंकाइटिस की वजह से, और इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है एम्फिसेमा की वजह से, जिसमें एल्वियोलर वॉल टूट जाती है, लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, और एयर बेचारी रुक जाती है। इन दोनों का असर होएगा कि आपका एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी उसमें रुकावट आ जाएगी, और एयर ट्रैप्ड हो जाएगी, हवा आ जा नहीं पाएगी, जिससे डिस्निया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा, और इस सब से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अब हाइपोक्सिया का क्या होगा, देखो हाइपोक्सिया इस वर्ड से बना हुआ है, जो राइट साइड में लिखा है ना, ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी पूरी की पूरी या उस बॉडी का कोई रीज़न उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं रह पाती है, डिप्राइव्ड हो जाती है, कमी आ जाती है, या तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ गई, या फिर बॉडी किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी आ गई। तो हाइपोक्सिया क्या है, लो ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, ऐसा देखा जाता है। अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो ये हाइपोक्सिक कंडीशन को आप महसूस करेंगे। कैरोटिड बॉडी क्या है, ये क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज सेल्स है जो कैरोटिड आर्टरी में पाया जाता है, ये लो ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करती है ब्लड में और आपके ब्रेन को अलर्ट करती है। इस रिस्पॉन्स में आपका ब्रेन जो है आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और लंग में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है। यह हाइपोक्सिया का असर होगा कि आपकी ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अपन ने लास्ट क्लास में ये चीज़ें पढ़ी भी थी।
ब्रेन मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और पॉन्स ये वर्क कर रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट डिजीज़ है लंग का कैंसर। लगभग जितने भी कैंसर से डेथ हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें 1/3 लंग कैंसर से डेथ होती है, और स्मोकिंग करने वाले में ये इंसिडेंस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 तरह के लंग कैंसर देखने को मिलते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा को बच्चों याद कर लीजिए, मैं पैथो पढ़ाऊंगी तब आपसे पूछूंगी सेकेंड ईयर में। एडिनो वर्ड हम काम में लेते हैं ग्लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या तो ग्लैंड हो या ग्लैंड जैसा हो या ग्लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो, उसके लिए एडिनो वर्ड यूज़ करते हैं। एडिनो कार्सिनोमा ग्लैंड से रिलेटेड या ग्लैंडुलर कार्सिनोमा होता है, स्क्वैमस सेल का कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये 3 तरह के कार्सिनोमा लंग कैंसर में देखने को मिलते हैं। ये लंग कैंसर दिखाया गया है कि लंग कैंसर स्टार्ट हो रहा है लंग्स के अंदर जब एबनॉर्मल सेल्स लंग के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ लेफ्ट साइड में, और ऑफन ये मेटास्टासाइज्ड होंगी। मेटास्टासाइज्ड होना क्या मतलब है, ये फैलना शुरू करती है। मेटास्टास होता है दूर दूर फैलना, लंग कैंसर सेल्स लंग में बन रही है फिर दूर दूर फैल रही हैं, दूसरे ऑर्गन्स में जा रही हैं, जिससे कि कैंसर रिलेटेड डेथ का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर मेन रिस्क फैक्टर्स टाइप्स और वगैरह को अपन को डिटेक्ट करना होता है और ट्रीटमेंट देना होता है। लंग कैंसर कहाँ कहाँ फैल सकता है, ब्रेन में, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड, लिवर और बोन्स में फैल सकता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर 13% केसेस में देखने को मिलता है, और ये क्विकली स्प्रेड करता है। इसकी 2 स्टेजेस होती है, लिमिटेड स्टेज और एक्सटेंसिव स्टेज। लिमिटेड स्टेज में ये केवल एक ही लंग तक रहता है, और एक्सटेंसिव स्टेज में ये दोनों लंग्स में फैलता है और लंग से बाहर भी फैल जाता है। यहाँ आ जाइए, जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है 57% केसेस में देखने को मिलता है, ये धीरे धीरे स्प्रेड करता है। इसकी स्टेजेस में ऑकल्ट स्टेज 0, स्टेज 1A, 1B, सेकेंड ए, सेकेंड बी, ये स्टेजेस होती है 4 इसकी। ऑकल्ट में कैंसर सेल जो है स्पटम में होती हैं, पर लंग में इसका ट्यूमर नहीं होता। स्टेज 0 में कैंसर सेल का अमाउंट लंग में बढ़ने लगता है। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में ट्यूमर जो है वो लंग तक ही आइसोलेटेड रहता है लंग में, फिर स्प्रेड करना शुरू करता है और इनर लाइनिंग एयर वेज की इनर लाइनिंग वगैरह में चला जाता है। स्टेज सेकंड ए सेकंड बी के अंदर कैंसर स्प्रेड कर जाता है लिम्फ नोड के थ्रू, चेस्ट वॉल में, डायफ्राम में और हार्ट के चारों तरफ की मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये सारे इसके कॉजेज बता रहे हैं, पॉल्यूशन, स्मोकिंग वगैरह। ये लंग कैंसर इस तरह से आप देखोगे, प्रोग्रेसिव लंग कैंसर आपको एक्सरे के अंदर दिखाई देगा कि लंग कैंसर फैल रहा है, बड़ा करके आप इनको देख सकते हो। ये लंग कैंसर छोटे छोटे गोले, फिर ये बढ़ता हुआ, ये देखो ये बढ़ गया ना, ये बड़ा हुआ पार्ट है लंग कैंसर का। इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, इसमें एस्बेस्टोस का एक्सपोजर, स्मोकिंग, स्मोकर प्लस एस्बेस्टोस में तो इतना ज़्यादा फैल गया, देखो ये ब्लैक डॉट वगैरह से बताया गया 59 गुना बढ़ जाता है स्मोकर एस्बेस्टोस में। स्मोकर में केवल 11 गुना, एस्बेस्टोस में 6 गुना, और ये नो रिस्क फैक्टर नॉर्मल रिस्क कैंसर का। अब नेक्स्ट कंडीशन है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अपेरेंटली हेल्दी इन्फेंट्स जो होते हैं कई बार सांस लेना बंद कर देते हैं और नींदों में ही उनकी मौत हो जाती है, इसको अपन सिड्स कहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा सोचा जाता है कि प्रॉब्लम न्यूरल रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर से हो रही है, और इसके 1/3 केसेस जो हैं वो हार्ट रिदम की एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ में जुड़े हुए होते हैं। सिड्स को रोकने के 5 तरीके, हमेशा बच्चे को सीधा सुलाओ, उल्टा नहीं सुलाना है, बैक यानी कमर के सहारे से आप सीधा लेटाएंगे, चेहरा ऊपर की तरफ होना चाहिए। बेबी के जो क्रिब हैं उनको आप क्लियर रखें ब्लैंकेट और टॉयज़ से, आप उसको हमेशा क्लियर रखेंगे। ऐसा नहीं हो बच्चे चीज़ें मुंह में लेकर खा जाए, निकल जाए, कटक जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेबी को हमेशा कंफर्टेबल टेम्परेचर पर आपको रखना है, ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले लोग हैं तो हम एसी के अंदर सुलाएं, ये नहीं है। बच्चे को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना होता है। सेफ स्वेडिंग करनी है और बेबी को हमेशा फर्म सरफेस पर स्लिप कराओ, बहुत नरम गद्दे पर सुलाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक सी कंडीशन पर उसको रखना है। सेफ स्वेडल टिप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा स्वेडलिंग सेफ होनी चाहिए,
स्वेडल जो आप लपेट करके बच्चे को सुला रहे हैं वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बेबी आराम से नेचुरली मूव कर सके ऐसा उसको रखना है। हार्ट पर हमेशा हाथ रखना है स्लीपिंग पोजीशन पे, हैंड्स ओवर हार्ट, हार्ट पे हाथ होने चाहिए, ये स्लीपिंग पोजीशन होती है। स्वेडल का यूज़ करना है आपको, अनरेवल नहीं करना बच्चे को, नहीं करना है बॉडी, बेबी के फेस को भी कवर करके रखना है और बॉडी को भी कवर करके रखना है। ज़्यादा स्वेडल भी नहीं हो जाना चाहिए, डबल स्वेडल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा लपेटा है तो हम सोचे कि हमने कहा स्वेडलिंग करनी तो चार पांच कपड़े लपेट दें, ये भी नहीं होना चाहिए। बेबी को ड्रेस नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ में, और आर्म्स फ्री स्लिप, ट्रांजिशन टू आर्म्स फ्री स्लिप व्हेन द बेबी बिगिंस टू रोल, जब वो रोल करना स्टार्ट करे तो आर्म फ्री स्लिप उसको करवानी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है एस्थमा, इसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है आपके ब्रोंकियल पैसेज की किसी इरिटेंट की वजह से, जिससे पर्सन में डिस्निया रहने लगता है, सांस की दिक्कत आएगी, कफिंग रहेगा और वीजिंग होएगी, वीजिंग साउंड सुनाई देता है, सांस तेज तेज आ रही होती है। ये हेल्दी एयरवे दिखाया गया, नॉर्मल एयरवे है और ये नॉर्मल एयरवे की स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पर एयरवे स्मूथ मसल्स बढ़ गई हैं एस्थमा में, और जब एस्थमा का अटैक आता है तो ये एयरवे और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है एस्थमा अटैक के दौरान, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो हैं एयरवे की वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो गई हैं। ये डायग्राम, ये मसल एयरवे की वॉल बताई गई है, ये नॉर्मल एयरवे और एस्थमा में देखो कितनी मोटी हो गई, कितनी थिकन, नैरोड एयरवे हो जाता है, टाइटेड हो जाती है मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद, और इन्फ्लामेशन और एयरवे वॉल की थिकनिंग आपको दिखाई देगी, म्यूकस का प्लग आपको दिखाई देगा। तो एस्थमा में फिर लोगों को इन्हेलर लेना पड़ता है, तो ये राहत देता है। देखिए लिक्विड मेडिकेशन है जो कि ड्रॉन होती है एक थिन कैपिलरी ट्यूब के द्वारा आपके अंदर जा रही है, फिर लिक्विड हीटेड होता है तब तक, अनटिल इट बिकम्स हॉट वेपर, जब तक वो हॉट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो गर्म हो रहा है इसी के अंदर जब इस ट्यूब में से वो जा रहा है। ये वेपर फिर कूल्ड होती है एम्बियंट एयर के द्वारा और फिर इन्हेलर रिलीज करता है एक मिस्ट को ड्रग पार्टिकल्स के रूप में, ये आपके अंदर गया और यहाँ पर ड्रग मिस्ट ट्रैवल्स होता है लंग में, एल्वियोलाई तक जाएगा और वहाँ पर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये इन्हेलर का काम है। अभी बेनिफिट्स क्या हैं भाई इन्हेलर अकेले लेने के लिए और इन्हेलर एयर चैम्बर के साथ लेने के, बस ठीक है आप क्या करना है ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री बताई हुई है एस्थमा इन्हेलर के अपने कोई काम की नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं भाई, लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड इन द फीटस, आजकल फीटस के अंदर लंग्स में जो है कई बार ये देखने मिल रही होती है कि लंग्स में पानी भर गया, लंग्स या फिर पूरी तरह से इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे हैं एयर के साथ में, दो हफ्ते तक बर्थ के बाद मतलब हवा जा नहीं पा रही, ढंग से सांस ले नहीं पा रहे, या जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो एल्वियोलर सरफेस की टेंशनों को कम कर देते हैं, टेंशन इज़ नॉट प्रेजेंट अंटिल लेट इन फीटल डेवलपमेंट एंड मे नॉट बी प्रेजेंट इन द प्रीमैच्योर बेबीज। वैसे प्रीमैच्योर बेबी के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई अगर बच्चा 7 मास या है 8 मास या है तो उनके अंदर लंग्स ना ढंग से बन नहीं पाते हैं, तो लंग्स अगर ढंग से नहीं बन पाते हैं ये सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम आ रही होती है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए ऐसे केस में हमें बच्चे को इनक्यूबेशन पीरियड में वो वहाँ रखना, इनक्यूबेटर वगैरह में रखना होता है, फोटो ट्रीटमेंट उनको देना होता है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बर्थ डिफेक्ट है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, तो देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस लेफ्ट डायग्राम में बताया गया है, इसमें क्या हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में थिक म्यूकस क्लॉग हो जाता है और क्लेफ्ट पैलेट में कटा हुआ होठ, कटा हुआ तालू जो आपको राइट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जेनेटिक डिफेक्ट है भाई, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्लेफ्ट पैलेट दोनों के दोनों जेनेटिक डिफेक्ट है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में, रुकावट आ जाती है सांस लेने में, साइनस में साइनोसाइटिस हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, लंग्स थिक हो सकते हैं स्टिकी चिपचिपे क्योंकि उसके अंदर म्यूकस भर गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और एयरवे चौड़ा हो जाता है, स्किन में स्वेट ग्लैंड से ज़्यादा स्वेट निकलने लग जाता है, लीवर बिलेरी डक्ट उसके ब्लॉक हो जाती है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है, इंटेस्टाइन में वो न्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की दिक्कतें हैं।
ये यहाँ पर लंग को अब दिखाया गया है बड़ा करके, ये तो ऊपर नॉर्मल एयरवे, और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का एयरवे जिसमें थिक म्यूकस, थिक स्टिकी म्यूकस जो है वो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है। ये एयरवे वाइडेंड हुए हुए हैं और म्यूकस में ब्लड भी दिखाया गया और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी दिखाया गया है। अब एजिंग उम्र के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, लंग की इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, वाइटल कैपेसिटी कम होने लग जाती है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, CO2 का स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं बुढ़ापे में। अब रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज हो जाती है आपकी पूरी लाइफ दौरान, जैसे बच्चों में 40 से 80 रेस्पिरेशन पर मिनट चलता है, बच्चों में 30 रेस्पिरेशन पर मिनट, 5 साल तक के बच्चों में 25 रेस्पिरेटरी रेट है, एडल्ट में 12 से 18 है, और ये रेट ऑफन बढ़ती जाएगी वापस ओल्ड एज के अंदर, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। बस यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ ख़त्म, और ना केवल रेस्पिरेटरी डिजीज़ ख़त्म, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। उसके नाथ में फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। आपको अब अपना असाइनमेंट पूरा करके भेजना है मेरे पास 15 अगस्त तक। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने CR को आप मैसेज करिए, मेरे तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा तो मैं आपके डाउट्स दूर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।